उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई या किया उसने सरेंडर? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्मम हत्या करने के बाद उन पर गोलियां बरसा करके, दबिश दे करके पकड़ने आई हुई इस टीम पर यह दुर्दांत हमला करने के बाद विकास दुबे नाम का ये यूपी का शातिर अपराधी पिछले कुछ दिनों से फरार था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई थी, स्पेशल टास्क फोर्स भी उसकी गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था और मध्य प्रदेश में विकास दुबे की होने की कुछ खबरें उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली भी थी। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस की कई टीमें मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ उसके लिए हाथ पांव भी मार रही थी। ऐसे में ही 9 जुलाई को अचानक मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी होने की खबर सामने आई। हालांकि जिस तरीके से विकास दुबे को उज्जैन पुलिस ने, मध्य प्रदेश की पुलिस ने दबोचा है, वो गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करता है, वो तरीका जो है वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से विकास जो है वो चिल्ला रहा है कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूँ। तो सोशल मीडिया में इस पर बड़ी चर्चा भी चल रही है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, सरेंडर है, आत्मसमर्पण है। और अब आगे जा करके अपने कर्तव्य को निभाने वाले जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्मम हत्या विकास दुबे ने की है, इस विकास दुबे को इतना बड़ा बनाने वाले राजनीतिक नेता और जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे, विकास दुबे को इतना बड़ा बनाने में जिनका सबसे अहम रोल होगा, क्या उनके राज सामने आ पाएंगे, क्या पर्दाफाश हो पाएगा? ऐसे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो किस तरीके से गिरफ्तारी कहिए या सरेंडर कहिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई या सरेंडर हुआ, उसके वीडियोज हम आपको बता रहे हैं। इस मंदिर के एक सिक्योरिटी कर्मचारी ने मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। कैसे हुआ? कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया उसका, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आएगा? नहीं, ये 7 बजे के लगभग आया, कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हैं उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी में देखते हैं उसको, 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। कौन कौन था आपके साथ? हमारे सिक्योरिटी टीम 8 लोग थे, हम सब लोग देखते हुए। हम लोगों ने, वो अकेला ही था जी? वो अकेला ही था जी? हाँ, वो 2-3 लोग थे, पर शायद पता नहीं चल पाया, अकेला पकड़ में आया। फोर व्हीलर है, उनको पकड़ के कहा जी? पुलिस कस्टडी में रखा गया, उन लोगों की इंक्वायरी की जा रही है, अभी देखते हैं जी क्या होता है। क्या नाम है आपका? लखन यादव, सुजालपुर। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार।